देखा पीछे, हमने साफ साफ किसी के उड़ाने की आवाज सुनी, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, छुप, कहाँ तक छुपोगे, छुप। अभी निकालते हैं तुमको ढूंढकर और फिर चखाते हैं पुष्पा सिंह की मार का मजा। ये केस तो अब हम ही सॉल्व करेंगे। हाँ, पापा एक बार आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। अरे बिलोटे, क्या लग रहा है तुमको, क्या चल रहा है? प्रेशर है? जाओ जाओ कर क्या हो, हम यहीं पर है। अरे दिमाग के नाम पे खाली फुग्गे भरे क्या? अरे प्रेशर मतलब घर वालों का प्रेशर। लड़की जवान है, सयानी है, पढ़ी लिखी है, नौकरी वाली है, और क्या चाहेंगे घर वाले? घर वाले तो क्या चाहेंगे, शादी चाहेंगे। घर वाले और क्या चाहेंगे, लड़की की शादी हो जाए, उसका घर बन जाए, वो सेटल हो जाए। इसीलिए फोन किया है संतोष जी को घर वालों ने, लेकिन उसकी वजह से वो ये अपसेट दिख रही है। एम्प्लॉटे फिर तो ये तो बहुत ज्यादा चिंता वाला बात हो गया यार। क्या? क्योंकि घर वाले संतोष जी के शादी का चक्कर लगा रहे हैं। हाँ तो संतोष जी के घर वाले लोग को तो पता ही नहीं है ना कि संतोष जी का यहाँ पर हमारे साथ चक्कर चल रहा है। एक तरफा चक्कर, घन चक्कर, सिर्फ तेरी तरफ से, वन वे ट्रैफिक है ये। संतोष जी ने तुझे कभी कहा है आई लव यू? यही जिंदगी में कभी एक बार भी प्यार किए होते ना, तो तुमको पता चलता। कभी कभी एकदम ऐसे प्यार का इजहार करने के लिए शब्द का जरूरत नहीं पड़ता बाबू, शब्द कम होते हैं। संतु जी भले इसे शब्द में हमको आई लव यू नहीं बोली है, लेकिन आंखों आंखों में दिल से 1500-2000 बार हमको आई लव यू बोली है। इसी गलतफहमी की वजह से दुनिया के आधे से ज्यादा दारू के ठेले चल रहे हैं। तुम भी देखना, संतु जी की शादी हो जाएगी, तुम भी उन्हीं के लाइन में लगोगे, एक कौवा लगा कर संतु जी का। अरे कर, मुंह खोलेगा तो कुछ का कुछ तो अच्छा बोल, क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है? अरे ये प्यार है, रेलवे का टिकट नहीं, जो बिना कंफर्म के कैसे भी करके घुस घास के मैनेज कर ले। ए बिलोटे, तुम तो उम्र में हमसे बहुत बड़ा है यार, तो अपना अनुभव कह। तो तुम तो उम्र में बड़ा है ना, तो अपना अनुभव के हिसाब से बताओ ना कि संतु जी के घर वाले क्या बोलेंगे, हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? अरे ये पिल्लू चंपत अपना पिल्लू निवास छोड़ देगा अगर संतोष जी ने सपने में भी तुझे शादी की तो। अबे तू तो ट्यूबलाइट है, बेवकूफ नहीं है, तेरे जैसे फालतू इंसान से कौन शादी करेगा बे निठल्ले। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। लिख के दे सकता है? हाँ। लिख के दे सकता है? लिख के दे। तुम ना बाबू एक क्या कर रहे हो, कागज पेन रेडी? हाँ हाँ, तुम ना लिख के देखे, अगर संतु जी हमसे शादी की ना तो तुम बिल्लू निवास छोड़ देगा, लिख कर। संतु जी, ए पेपर लिख। संतु जी क्यों ऐसे मतलब बुझी बुझी सी लग रही हैं, झुरमुराए सी फिर रही हैं आप ना? और आपका झुरमुराना बनता भी है संतु जी, बताइए। अब थाना में ऐसा लालटेन जैसा केस आएगा तो आदमी उदास ही हो जाएगा ना। कैसे कोई भी औरत अंदर खुश जारी करे, हाय हाय हमारे बाल कट गए, हमारे बाल कट गए। ये क्या बात हुआ, घर का खेती है कभी उग जाएगा, बाल ही तो है, बाल ही तो है संतु जी, बाल ही तो है। मुझे पता है लड़कियों के लिए उनके बालों की क्या वैल्यू होती है जीते। क्या? अगर हमारे बाल नहीं होते ना तो दुनिया की आधे से ज्यादा शैम्पू की कंपनियां जो है ना वो बंद हो जाती। हमारे बालों की वजह से ही हेयर ऑयल और हेयर जेल की कंपनी चल रही है। तुझे पता है हमारे बाल नहीं होते ना तो दुनिया के जितने भी शायर है ना भूखे पेट मर जाते, क्योंकि उन्होंने हजारों लाखों शायरियां, गीत, गजल हमारी जुल्फों को लेकर ही बनाया है। तू खुद सोच जीते, अगर औरतों को झगड़ना हो तो टकली औरतें एक दूसरे से झगड़ा कैसे करेंगी, नोचेंगी क्या? वो जुओं की जो कंघी होती है, हेयर मेडिकेयर होता है, मेहंदी होती है, ऑयल होता है, इन सबकी तो दुकानें हो जाएंगी। तू खुद सोचना, टकली डायन और चुड़ैल रहेंगी तो उनसे कौन डरेगा चीते? और सबसे बड़ी बात चीते, अगर तुम मर्द शादी करना चाहोगे तो टकली दुल्हन की मांग भरोगे क्या? ये देखो, ये टकला देखो, यहाँ पे मांग कहाँ दिख रही है, सिंदूर कहाँ डालोगे तुम? बात करता बैठो। नहीं मैडम सर, यहीं पे। क्या परेशानी है? परेशानी तो बहुत है मैडम सर, किस्मत और क्वार्टर का नल लगातार खराब चल रहे हैं, मेरे पिंपल्स जा ही नहीं रहे और सैलरी है कि आ ही नहीं रही है, महीने के बिल सर पे खड़े और पापा मेरी शादी के पीछे पड़े हैं मैडम सर। आज के दिन क्या परेशानी है वो पूछ रहे हैं हम, देख रहे हैं कि तुम सुबह से थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रहे हो और अभी खामखा बिल्लू और चीता को इतना कुछ सुना दिया, किसका गुस्सा निकाल रही हो? सोशल मीडिया मैडम सर, सुबह चीते ने मेरे बाल काटे थे ना तो मैंने वो सोशल मीडिया पर डाल दिया। तो क्या लाइक्स नहीं मिले? लाइक्स तो बहुत मिले मैडम सर। ट्रोल हो गई? नहीं,
तो फिर क्या? घर वाले मैडम सर, घर वाले. उन्होंने वो फोटो देख ली और अब जिद कर रहे हैं कि मैं वापस घर आ जाऊँ ये नौकरी छोड़कर. क्या, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ आकर मुझे यहाँ की हवा लग गई है, मैं बिगड़ गई हूँ. इनफैक्ट मैडम सर, उन्होंने तो मेरा रिश्ता भी फिक्स कर दिया मैडम सर, और पता नहीं कहाँ किया होगा. बिलोटे, ए ए, अच्छा इधर साला चीते. लेकिन तू टेंशन मत ले. देखो अभी कितना बजा है, 8:30 ही हुआ है. यहाँ के दारू के ठेले चालू रहते, संतोष जी की शादी हो जाए तब तुम पावा लगा कर मर जाना. संतोष जी राक्षस आदमी है रे, दैत कैसा पिशाचनाथ इंसान है. अरे डायन भी 6 घर छोड़ के तब वार करती है, ऐसा विपरीत स्थिति में हमारे साथ तो गए. बिलोटे अगर संतोष जी का शादी किसी और से हुआ ना तो ये चीता चतुर्वेदी अपना प्राण त्याग देगा. संतू जी का परिवार वाला लोग उनका शादी कहीं और फिक्स करे, उससे पहले हम लोग चलते हैं ना. हम लोग उनके घर वाले लोग से अपना रिश्ता मांग लेंगे, मतलब हमारा रिश्ता मांग लेंगे हम लोग. हाँ, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा बाप बन के वहां जाऊँ? ना ना, हमारी माँ इतना खतरनाक बाप डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी. तुम सपोर्ट कर हमारा, खाली हमारे साथ रह, समझा ना. नहीं बिलोटे, 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 सॉरी 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 बाबू, सॉरी बिलोटे, बिलोटे. ओके ठीक है, हमने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सुन ली है, समझ ली है. एक काम करो, करिश्मा सिंह के फेयरवेल के बाद ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी लो और घर जाओ, और घर वालों को इत्मीनान से बैठा कर उन्हें समझाओ कि शादी सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं. वो कोई अचीवमेंट नहीं है, कमिटमेंट है जिसे बहुत सोच समझकर अपना वक्त लेकर करना चाहिए. उन्हें समझाओ अच्छे से, वो समझ जाएंगे. मैडम सर प्लीज, आप एक बार मेरी मम्मी पापा से बात कर लेंगी, आपको तो एक्सपीरियंस है ना शादी ना करने का. सोच के बताती हूँ मैडम सर. जय हिंद. का रे रे, ये का कर रहा है? तुम्हारा जन्मदिन है जो इतना घटिया तरीका से सजा रहा है, ठीक से सजाओ ना यार. अच्छा, संतोष जी का शादी का मंडप मैं ही सजा रहा हूँ, उसमें तुम पिपनी बजाना. ऐसे मत बोल बिलोटे. बिलो जी, शांत हो जाए. लाइए संतोष जी. कहाँ लगा संतोष जी? अरे जय हिंद. जय हिंद. ये बिल्ले का है सब? हमारे तरफ से छोटी सी कोशिश है, मतलब आज का दिन इस थाने का आपका आखिरी दिन है, तो हमने सोचा कि ये दिन आपका स्पेशल हो, बेहतरीन हो, यादगार हो, इसीलिए ये छोटी सी कोशिश. हाँ, अब कल से कोई भौकाल भी नहीं दिखाएगा यहाँ. और आप नीडर हो के अपनी बहू के बारे में जो बोलना चाहती हैं बोल सकती हैं. क्या संतोष बोल रहे हैं? हम कहाँ कुछ बोलते करिश्मा जी के पीठ पीछे. नहीं नहीं पुष्पा जी, आप बोलती तो हैं, आप चुड़ैल बोलती हैं, आप डायन बोलती हैं. चुड़ैल कब बोलते हैं हम? हाँ चुड़ैल नहीं बोलती, डायन बोलती. हाँ नहीं नहीं, मतलब वो हमारे शिवजी साक्षी हैं, हम कभी कुछ नहीं बोलते आपके बारे में. जय हिंद मैडम सर. जय हिंद. जय हिंद मैडम सर. मैडम सर, ये सब इनका प्यार है आपके लिए. इनफैक्ट करिश्मा सिंह, हम चाहते हैं कि आज के दिन आप बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ एंजॉय करेंगी और खुश रहेंगी. खुश तो मैडम सर हम ड्यूटी के वक्त ही रहते हैं. ड्यूटी करते वक्त जो हमें आत्मसंतुष्टि की अनुभूति होती है ना, वो कहीं और नहीं होती है. इस वर्दी से हमारा ऐसा रिश्ता है जैसे नाखून का खाल से मरते दम तक अलग नहीं होते हैं. वो तो मजबूरी में हमको जाना पड़ रहा है. मैडम सर, हम चाहते हैं कि हम अपने ड्यूटी का आखिरी दिन ड्यूटी करते हुए बिताएं. वो जो टोपा आदमी है ना, जो उन मासूम लड़कियों के बाल काट रहा है, वो अपराधी को हम जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं. इसलिए हम चाहते हैं कि नाइट पेट्रोलिंग के लिए भी ना हम जाएं ड्यूटी पर. और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम संतू को अपने साथ ले जाएं. हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए, लेकिन एक छोटा सा एडवाइस है हमारा, आप दोनों में से कोई एक यूनिफॉर्म पहन कर जाइएगा, क्योंकि कल हम और पुष्पा जी गए थे पेट्रोलिंग के लिए और हमें थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस हुआ है ना पुष्पा जी. मत पूछिए मैडम सर, मत ही पूछिए.
हमारी खूबसूरती ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हम जैसे नौजवान हसीन कमसिंग लड़की देखी नहीं कि बस पीछे पड़ जाते मन चले, जैसे कल रात पीछे पड़ गए थे। कितनी मुश्किल से हमने अपने आप को बचाया है हम ही जानते हैं ना मैडम सर। बिल्कुल सही कह रही हैं पुष्पा जी। माँ अब कौन सी चक्की का आटा खाते है? हमें भी बताओ, हमें भी खूबसूरत होना है ढलती उम्र में। बिले माँ आटा आटा नहीं चाटा खाओ तुम मैडम का। तुमको क्या हुआ संतु? कुछ नहीं मैडम, वो आपको बताना था कि ये जो बाल काटने वाला केस है, इसमें जितनी भी औरतों के साथ ये हादसा हुआ है, उन सबकी स्टेटमेंट में एक कॉमन बात है। हाँ, का कौन का? यही कि हादसे से पहले उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है और घुर्रा रहा है। हाँ मैडम सर, कल रात हमें भी ऐसा ही एहसास हुआ जैसे हमारे पीछे खड़े रह के कोई घुर्रा रहा है। कैसे? ऐसे संतोष शर्मा, एक काम करो, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन सब में ये न्यूज फ्लैश करवाओ कि अगर कभी भी कहीं भी किसी लड़की को इस तरह के घुर्राने की आवाज अगर सुनाई देती है तो तुरंत हमें कॉन्टेक्ट करे और हमारा नंबर साथ में अटैच कर देना। जी मैडम सर। देख इकबाल, आज रात यही कह रहे जाएगा करिश्मा सिंह के फेयरवेल पार्टी में। पक्का? अबे चपड़गंजू, पक्का पक्का पक्का। ए बिल्ले बिल्ले, चोर चांडाल बिल्ले। ए अरे अरे अरे, ये क्या कर? बालों की तेरी खोपड़ी भी खाली हो गई क्या? ए तू निकल रही, तेरा नाम इकबाल है तो क्या बालों के ऊपर ही जोक मारेगा तू? कर क्या रहा है तू, पहले ये बता। अबे पार्टी है ना, है कि नहीं? तो पार्टी किसके बिना अधूरी है? हमारे बिना। पार्टी में नौकर चाकर चाहिए, वो तो तू है ना। पार्टी इसके बिना अधूरी है। अरे इनके थाने वाले की पार्टी तो एकदम बोरिंग चलेगी, लेकिन अपनी पार्टी इससे ही एंजॉय करेंगे हम। अपना इंतजाम हमें ही करना होगा, ये तो खुद नहीं पिएंगे और हमें भी पीने नहीं देंगे, इसीलिए। ये ले तेरा लव सीप। ओके ये, लेकिन बिल्ले हम पहचानेंगे कैसे? सब तो एक जैसी है बॉटल। ये इसका रैपर निकाला। तो बिना रैपर की जो बॉटल है वो हमारी पार्टी की बॉटल है। चोर 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 चोर, दिमाग चोर दिमाग। बिल्ले हटो 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 हटो। बिल्ले हाँ रे हाँ चीते, क्या हुआ? बिलोटा हमने तय कर लिया। वेरी गुड, टच में रहना बाय। का बाय रे रे, का बाय? का बाय? क्या हुआ? अरे तू पुलिस की नौकरी छोड़ के जा रहा है ना बाबू? लाइफ में फर्स्ट टाइम अच्छा डिसीजन लियो बाबू। हाँ पता नहीं कह रहे, तुम भर्ती हो गए, तुम उस लायक हो नहीं पुलिस। तुम दोनों इंसान रहने के लायक नहीं हो ना इंसान, रहोगे चुप तुम लोग? बिलोटे यार हमने यही तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो हम संतु जी के बाबूजी के पास जाएंगे और संतु जी के बाबूजी से ना उनका हाथ मांग लेंगे। बिलोटे पक्का? पक्का। तो मांग क्या 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 मांगे, कैसे मांगे? अरे हाथ मांग कैसे मांगे, मतलब मांग के बता ना, प्रैक्टिस कर, कैसे मांगेगा बता। ठीक है बेटा, एक काम कर, तुम ना संतु जी का बाऊजी बन जा, ठीक है? और उसके बाद से हम आते हैं, हम हाथ मांगेंगे तुमसे। ओके बैठ बैठ, उनके बाऊजी। संतु जी के बाबू को लगा है चश्मा, हाथ में पेपर। प्रणाम चाचा जी। चाचा जी हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है और हम आपकी बेटी संतोष शर्मा से ना बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप कुछ भी करके ना मतलब ऐसे हम पर एहसान कीजिए और उनका हाथ ना हमारे हाथों में दे, दुनिया का सारा खुशी हम उनके कदम में ऐसे डप से करके फेंक देंगे, हमेशा खुश रखेंगे उनको। आप प्लीज चाचा जी प्लीज ना इसे संतु जी को ना हमारे साथ शादी करने का परमिशन दे दीजिए। गेट आउट। भाई भाई बड़े भाई, भाई तू हाथ मांग पर ये मत मांग। बैठ बैठ बैठ, तुम दोबारा बैठ, बाप बन हम दोबारा प्रेस्टिक करेंगे, बैठ। क्या हुआ तुमको? अंदर भी देख रहे थे, थोड़ा उखड़ी उखड़ी थी तुम, कोई चक्कर है? हमें बताओ, हम हल निकालते हैं। घर वालों की प्रॉब्लम मैडम, शादी के पीछे पड़े हैं, शादी शादी शादी, क्या करूं मैं, कैसे पीछा छुड़वाऊं?
संतू एक आइडिया है जिससे समस्या का हल निकल सकता है। सांप भी नहीं मरेगा और लाठी भी टूट जाएगा। कैसे? समझ रही हो? कैसा लगा? नहीं मैडम, आइडिया अच्छा है लेकिन चीते के साथ ऐसा करना ठीक होगा क्या? हम सच में थोड़ी कर रहे हैं, तुम्हारी समस्या का हल निकल जाएगा, तुम उसके बारे में सोचो। ओके। अरे बता ना भाई, कैसा लग रहा हूँ? अरे बता बता। बदनाम भाई, कमाल आदमी यार, कुछ भी पहन लो तुम चाय वाले लगते हो। बदनाम भाई चलो चोरी से अपनी वाली बोतल पी लेते हैं। अरे नहीं, अरे वो चोर चंडल के बगैर पार्टी नहीं हो सकती। तो लेकिन चोर चंडल है किधर? कहाँ गया उजड़े चमन, ढूंढो उसको। ये देखो, आराम से चलते। बिल्लू मेरे भाई, इधर बैठो इधर बैठो। अबे ऐसे कोने में बैठा है, नशे में लग रहा है। हमारे बीच की पिया क्या बे? अबे चुका ना। क्या चुका? अरे डाउट है, पर वैसे अपनी दारू की बोतल दिख नहीं रही है। झूठ बोल रहा है, तूने पिया ना? मुंह का बोतल खोल खोल खोल। अरे बिल्ले कम से कम ब्रश तो किया कर। इसने नहीं पिया, कोई और पी के टल्ली हो गया। तू कौन? देख बिल्ले, माँ कसम कहता है अगर हम पकड़े गए ना तो माँ का बाप का दादा का सबका बदला हम लोगों से लेकर रहे। ये देखो आबेल मुझे मार बताएगा कौन उनको। अरे तू नहीं बताने का, नहीं बताने का, लेकिन गलती से कौन है जो हमारी दारू की बोतल पी रहा है? चल ढूंढते, ढूंढना पड़ेगा। चल हेलो एवरीवन, एक्सक्यूज मी, हाय, प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी एसआई करिश्मा सिंह का इस थाने में आखिरी दिन है। आज उनकी फेयरवेल पार्टी है और इस पार्टी में हम सभी ने कुछ कुछ थोड़ा सा लिखा है इन्हें सुनाने के लिए। तो मैं अब आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक एक करके यहाँ पर आए और अपनी तहरीर पढ़ें। बहुत बढ़िया, सबसे पहले स्टार्ट करेंगी पुष्पा जी। चलिए चलिए चलिए, ऑल द बेस्ट। अरे जाइए। ठीक है। शायरी लिखेंगे अखबार? जीते आना जरा। हाँ हाँ पुष्पा जी, हम आ गए। अरे बस हम हैं। लीजिए लीजिए, हम पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लीजिए इत्मीनान से पढ़िए। देखिए सब, हाँ तुम तेज हो जैसे तलवार की धार, तुम बुद्धिमान हो जैसे नुकीले खंजर का वार, तुम जय हो तुम प्रलय हो तुम हो भोकाल, तुम शत्रुओं का काल तुम दुश्मनों का पराकाल, तुम बावंटर तुम समंदर, तुम जलाल तुम बवाल। वाह तालियां, वाह। बोतल हमारे पास दो, तालियां बजाओ आराम से। नहीं ठीक है रखो। ध्यान दीजिए, अब हमारा बारी है मैडम आपके लिए। हम आप आरी आप न्यारी आप भावनाओं की क्यारी, आप तो हैं जान हमारी। करिश्मा मैडम जी, थाने की दुलारी शान हमारी, शब्दों में नहीं समा सकता वो सम्मान जो हम आपके लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए होंगी आप इंसान, हम तो आपकी गिनती फरिश्तों में करते हैं। क्या हाथ में आ गई?
सॉरी मैडम, वो गैस खत्म हो जाएगी, दीजिए हम दूसरा देते हैं। अरे मैडम, हम दूसरा लेकर आ गए, ठंडा ठंडा वाला चिल्ड। ओ तुम ही पियो तुम्हारा चिल्ड जहर, हमको ये पीना है। और तुम दो चीज कभी नहीं रोकी जा सकती। क्या बात है चीते, क्यों इतना ओवर एक्टिंग कर रहे हो तुम, उसको बोलने तो दो। आप बोलो संत, बोलो। हाँ, दो चीज कभी नहीं रोकी जा सकती, आपका भौकाल हो या मेरे क्वार्टर के नल का पानी। दोनों को रोकने में अच्छे अच्छों को याद आ जाती है नानी। महिला थाने का इतिहास दोहराएगा आपकी ये कहानी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लव यू मैडम। लव यू टू संतु जी। करिश्मा मैडम की तरफ से। हेलो मैडम, मैं अभी कल्याण मार्ग पर हूँ। मैं केयर होस्टेस हूँ, मैं घर से एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, रिक्शा का वेट कर रही थी कि अचानक उसी तरह घुर्राने की आवाज़ सुनाई दी जैसी आपने टीवी पर बताई थी। मैडम मुझे लगता है ये वही है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए। अच्छा ठीक है रिलैक्स, हमें बताइए आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अभी मैं रतन नगर रोड पर हूँ। ठीक है तुम घबराओ मत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, हम वहाँ पहुँच ही रहे हैं, हमसे फोन पर बात करती रहो ठीक है। अब एक सेकंड के लिए होल्ड करो, हमें इन लोगों को बिना बताए यहाँ से जाना होगा, नहीं तो करिश्मा सिंह की फेयरवेल पार्टी खराब हो जाएगी, और किसी भी हाल में हमें इस आदमी को पकड़ना है।